यूपी के आगरा में चलती ट्रेन में टीटीई की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इटावा डीएमयू ट्रेन में तीन लड़कों ने टिकट मांगने पर टीटीई की बुरी तरह से पिटाई कर दी। ट्रेन में टीटीई को जमकर पीटा और फिर फरार हो गए। आगरा कैंट थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ट्रेन में टीटी की पिटाई। टीटी ने मांगा टिकट। टीटी पर थप्पड़ों की बरसात। ट्रेन में गुंडों ने बरपाया कहर। रेल देश की लाइफलाइन है। रोजाना लाखों मुसाफिर ट्रेन से सफर करते हैं। सरकार और रेल मंत्रालय ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने का दम भरते हैं, लेकिन देश की रेल कितनी महफूज है? आगरा की इन एक्शन पैक तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ट्रेन में गुंडे टीटी की पिटाई कर सकते हैं, तो आम मुसाफिर कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? आगरा में इटावा डीएमयू ट्रेन में टीटी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह काली पैंट और सफेद शर्ट पहने इस टीटी को तीन लड़के पीट रहे हैं। थप्पड़ों की बारिश हो रही है। डीएमयू ट्रेन में उस वक्त कई मुसाफिर मौजूद थे, लेकिन कोई टीटी की मदद के लिए आगे नहीं आया। तीनों लड़के टीटी को पीटते रहे। दरअसल इटावा जाने वाली डीएमयू ट्रेन जब बटेश्वर पहुंची, तो टीटी ने इन लड़कों से टिकट मांगा, लेकिन तीनों लड़कों को टीटी का टिकट मांगना नागवार गुजरा। दबंगई दिखाते हुए पहले टीटी से बहस की, इसके बाद ट्रेन में मारपीट करने लगे। टीटी को पीटने के बाद तीनों आरोपी युवक ट्रेन से कूदकर भाग गए। पीड़ित टीटी ने आगरा कैंट थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ट्रेन में टीटी की पिटाई के इस वीडियो ने रेलवे पुलिस प्रशासन के तमाम सरकारी दावों की पोल खोल के रख दी है। आगरा से विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।